सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन लीगल मैटर्स को और दबाइए इस बेल को ताकि आपको मिल सके हमारा वीडियो सबसे पहले और यह बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द सीक्रेट्स अबाउट हाउ टू गेन शॉर्ट हैंड स्पीड इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, अ सीक्रेट विच वॉज नेवर शेयर बाई एनी वन। If you want to understand it, see and listen entire video with patience. Friends, ये secret जो मैं आपके साथ share करने जा रहा हूँ ये definitely आपकी speed को enhance कर देगा और आपकी तैयारी करने के तरीकों को बदल देगा, इतना मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ। और अगर आप इस analysis को देखना चाहते हैं तो आप पूरा video देखें और कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें तीन लिंक दिए हुए हैं, एक 80 वर्ड का, एक 100 वर्ड का और थर्ड है 120 वर्ड का। तो आप इन डिक्टेशन पे क्लिक करें और डिक्टेशन को लिखने के बाद आप इस डिक्टेशन का एनालिसिस देखें, तब आप बेटर और इफ़ेक्टिव तरीके से शॉर्ट हैंड की तैयारी करना और स्पीड जल्द से जल्द गेन करना के तरीके को आप सीख पाएंगे। और क्योंकि हम इसी डिक्टेशन का एनालिसिस करने जा रहे हैं, इस डिक्टेशन में टोटल 538 वर्ड्स हैं, इसमें 176 यूनिक वर्ड्स हैं। यूनिक वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में यूज नहीं होते हैं। टोटल इसमें करेक्टर 3186 करेक्टर्स हैं और 2633 करेक्टर्स हैं विदाउट स्पेस। टोटल 13 सेंटेंस है, 105 लॉन्ग सेंटेंस है, 1 शॉर्टेस्ट सेंटेंस है और एवरेज जो वर्ड की लेंथ है वो 4.8 वर्ड्स की है। 7 पैराग्राफ्स हैं और ये कॉलेज स्टूडेंट के रीडिंग लेवल का मैटर है। अब आगे आप देखें कि इस डिक्टेशन की क्या खास बात है। इस डिक्टेशन का मैंने थारो एनालिसिस किया है। 1 कीवर्ड्स यूज्ड रिपीटेडली इन द डिक्टेशन, इस 538 वर्ड के डिक्टेशन में आप देख सकते हैं कि 82 बार, यानी कि इस डिक्टेशन का 60% जो वर्ड यूज हुआ है और वो है द। सेकंड है जो वर्ड यूज हुआ है 46 टाइम्स, जो कि इस डिक्टेशन का 9% है, वो है ऑफ। 16 बार टू का यूज हुआ है, 15 बार फाइव आया है, 14 बार एंड रिपीट हुआ है, 14 बार इस डिक्टेशन में पुलिस रिपीट हुआ है, 11 बार एक्ट रिपीट हुआ है, 10 टाइम्स अंडर यूज हुआ है, 8 टाइम्स ए यूज हुआ है और 8 टाइम्स बी यूज हुआ है। टोटल अगर आप इसका एनालिसिस करें तो, अगर काउंटिंग करें आप, तो ये टोटल डिक्टेशन का जो परसेंटेज है वो 45% आता है और इसमें भी 99% ग्रामर लॉग है। सेकेंड है हमारा 2 कीवर्ड्स यूज्ड रिपीटेडली इन द डिक्टेशन। यहां पे आप देख सकते हैं सेकेंड रो में कि 31 टाइम्स ऑफ द यूज हुआ है, जो कि डिक्टेशन का टोटल 8% है। 14 टाइम्स द जो वर्ड यूज हुआ है द पुलिस, 9 टाइम्स बाय द यूज हुआ है, 8 टाइम पुलिस एक्ट यूज हुए हैं, 7 टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन, 6 टाइम्स पुलिस फोर्स, 6 टाइम ऑफ सर्विस, 6 टाइम कंडीशंस ऑफ, 5 टाइम्स अंडर द, 5 द स्टेट। टोटल जो परसेंटेज है 26% है। आप इसमें देख सकते हैं कि आप सभी नॉर्मल वर्ड यूज हो रहे हैं जिसको कि आप रोज प्रैक्टिस करते हो और इसमें भी 98% इसमें ग्रामर लॉग है जो आप यूज कर रहे हो,
इस डिक्टेशन में। तो टोटल जो हमारा परसेंटेज बनता है वन सेट और सेकेंड सेट दोनों को मिला करके, ये बनता है 45, 45 प्लस 226 इक्वल टू 381.98 वर्ड्स, मतलब 538 वर्ड्स में 381.98 वर्ड्स जो यूज हुए हैं वो सिंपल वर्ड्स हैं और वो ग्रामालॉग हैं, और इसमें 118 न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं। तो जो सेकेंड सेट है हमारा टू कीवर्ड्स, टू कीवर्ड्स मीन्स टू वर्ड्स एक साथ जो आए हुए, जैसे ऑफ द पुलिस, बाय द, इनकी रिपीटेशन के बारे में बताया जा रहा है। और जो हमारा थर्ड एनालिसिस है ये टू, सॉरी इसमें मैंने टू लिख दिया है, यहाँ पे थ्री कीवर्ड्स यूज्ड रिपीटेडली होना चाहिए था। इसमें आप देख सकते हैं ऑफ द पुलिस, ये थ्री वर्ड्स है, ये 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। द पुलिस एक्ट, ये 8 टाइम्स रिपीट हुआ है, जो कि डिक्टेशन का 3% है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 6 टाइम यूज हुआ है, डिक्टेशन का ये 2% है। द पुलिस फोर्स 6 टाइम यूज हुआ है। ऑफ सर्विस 5 टाइम्स यूज हुआ है। आर्टिकल ऑफ द, ये 2% है डिक्टेशन का टोटल, और ये 5 टाइम्स यूज हुआ है डिक्टेशन में। कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये 2% है और 5 टाइम्स यूज हुआ है ये डिक्टेशन में, ओवरऑल डिक्टेशन में। द प्रोविजंस ऑफ, ये 4 टाइम्स यूज हुआ है। प्रोविजो टू आर्टिकल, ये 1% यूज हुआ है। और प्रोविजंस ऑफ द, ये 3 टाइम्स यूज हुआ है, ये 1% डिक्टेशन का है। टोटल अगर आप परसेंटेज देखें तो ये 19% है। और अगर हम तीनों वर्ड्स के एनालिसिस को आप मिला लें, जो परसेंटेज है वो टोटल आता है 45% प्लस 26% सेकेंड रो का, और थर्ड जो मैंने बनाया है वो 19%। टोटल डिक्टेशन का 90% ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं जो कि सिंपल है और जो कि आप लर्निंग के दौरान, शॉर्ट हैंड लर्निंग के दौरान आपने जो सीख रहे थे वही वर्ड रिपीट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 482.4 वर्ड्स ये नए वर्ड्स हैं, और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंपल हैं और जो आप डेली बोलचाल की भाषा में आप यूज़ करते हो। और टोटल जो नए वर्ड आए हुए हैं इस 538 वर्ड्स के डिक्टेशन में, उनकी उनके नंबर से 17.6, मीनिंग देयर बाई कि अगर आप डिक्टेशन की आप तैयारी कर रहे हो शॉर्ट हैंड की, तो बेसिक तौर पे आपको तैयारी करना चाहिए ग्रामालॉग की, और वो भी इतना कंठस्थ होना चाहिए कि आप किसी भी स्पीड पे आप उसको लिख सकें। दूसरा चीज़ है ग्रामालॉग, कॉन्ट्रैक्शन और स्पेशल लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अगर आप इन तीनों पे पकड़ बना लेते हो तो आपकी स्पीड 3 से 6 महीने के अंदर ड्रामेटिकली रूप से इन्हेंस हो जाएगी और आप पहले से अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। आप देख सकते हो कि फर्स्ट सेट में 45% डिक्टेशन का, फर्स्ट सेट की अगर बात करें जिसमें सिर्फ ग्रामालॉग है, तो ये डिक्टेशन का 45% कंटेन करता है। 45% मीनिंग दियर बाई कि अगर 500 वर्ड्स का डिक्टेशन है तो अराउंड 230-235 के आसपास या 40 के आसपास, 240 वर्ड्स के आसपास ये डिक्टेशन को ऐसे वर्ड्स यूज कंटेन करता है जो कि डेली यूज में हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑफ द, और जिस पर ध्यान नहीं देते। अक्सर अब ऐसा होता है कि हम बड़े वर्ड्स पे ध्यान देने लगते हैं और छोटे वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हैं, बट यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स उनकी भी जो मिस्टेक काउंटिंग का प्रोसीजर है वो भी उनको भी एक फुल मिस्टेक मानता है। और अगर आपने जैसे वर्ड आपने यूज़ किया है टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन वर्ड एक बड़ा वर्ड है जिसमें कई सिलेबल्स हैं। अगर आप एक वर्ड को ए ग्रामालॉग है, ए आर्टिकल है, अगर आप इसको भी आप मिस करते हो तो आपकी वन मिस्टेक मानी जाएगी। और अगर आप टर्मिनेशन या डिटर्मिनेशन या इस प्रकार के जो भी लंबे और बड़े वर्ड हैं उसको भी आप मिस्टेक करते हो तो वो भी आपका एक ही मिस्टेक ही माना जाएगा। तो बुद्धिमानी इसी में है कि आप ग्रामालॉग को एकदम कंठस्थ करें और अच्छी तरह से तैयारी करें, हर लेवल पर तैयारी करें। किसी भी प्रकार की डिक्टेशन अगर दिया जाए तो उसमें मिस्टेक ना होने पाए, इससे आपकी स्पीड 100% 101% आपकी इन्हेंस करेगी
और आप डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। वैसे तो मैंने ये डिक्टेशन अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया था, बट मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी ये डिक्टेशन को शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया और इस पे यूट्यूब पे डाला कि आप भी इस पे शेयर कर सकें और इससे बेनिफिट उठा सकें। और अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और लाइक बटन पर हिट करना ना भूलें आप। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर एनालिसिस। विश यू सक्सेस एंड गुड हेल्थ।